दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है इंडिया में, जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से कुछ समय बाद आपको रोड पे हर 10 गाड़ी में से एक गाड़ी ओला की जरूर देखने को मिलेगी। बहुत सारे उतार चढ़ाव ओला इलेक्ट्रिक ने देखे, बट राइट नाउ दे आर इन ए गुड पाथ। अभी के हिसाब से देखा जाए तो भाई एक्सपांशन भी बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से ये दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज में भी अपने पैर फंसा रहे हैं, नेपाल पहुंच चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी अपनी गाड़ियों को ले जाने वाले हैं। तो देखा जाए तो भाई धीरे धीरे एक्सपांशन बहुत तेजी से हो रहा है, और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा ये गाड़ी, उतना ही बेनिफिट होगा इंडियन को और एक इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उतना अच्छा रेवेन्यू हम जनरेट कर पाते हैं और उतना अच्छा इकोनॉमी भी होता है। तो देखा जाए तो एक अच्छा स्टेप है ओला की तरफ से जब वो एक्सपांशन करते हैं विदेशों में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ओला इलेक्ट्रिक की जो डिमांड है ना वो बढ़ती ही जा रही है, और ओला जैसी गाड़ी जिसमें फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं तो ऐसे में लोग क्यों ना परचेस करें। जब ये सारी चीज को जब स्ट्रीमलाइन कर ही रहे थे भावेश अग्रवाल जी, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है एक्सपीरियंस सेंटर, जो कि सबसे ज्यादा पब्लिक डिमांड थी। कंपनी ने जब एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया तो भाई बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जब कंपनी के ऐसे इनिशिएशंस होते हैं तो ऐसे में ना लोग का भी हौसला बढ़ता है ऐसी गाड़ियों को परचेस करने का। सबसे पहली चीज तो भाई लोग जाके एक्सपीरियंस सेंटर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस गाड़ी को जो उन्होंने परचेस नहीं की है, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है। यही चीज एथर के केस में पहले से ही प्रॉफिटेबल था, बट ओला के केस में वो प्रॉफिटेबल नहीं था क्योंकि उस टाइम था ही नहीं। अब वो एक्सपीरियंस सेंटर आ चुके हैं, हर सिटी में एक एक एक्सपीरियंस सेंटर कंपनी ओपन कर चुकी है। क्या एक एक्सपीरियंस सेंटर से पूरे सिटी को कवर कर सकते हैं? तो फैक्चुअली देखा जाए तो नहीं। ऐसे में कंपनी को मल्टीपल एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करना पड़ेगा, और यही चीज स्टार्ट कर रहे हैं भावेश अग्रवाल जी बैंगलोर में सबसे पहले। और आपको अब मल्टीपल एक्सपीरियंस सेंटर मिलेगा बैंगलोर में, और जरूरी भी है क्योंकि बैंगलोर जो सिटी फैला हुआ है ना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और अगर ऐसे मार्केट में अगर एक ही या दो ही एक्सपीरियंस सेंटर होगा तो उतने अच्छे से लोगों को टैकल नहीं कर पाएंगे, उतने ज्यादा लोग कवर नहीं हो पाएंगे। ऐसे में मल्टीपल एक्सपीरियंस सेंटर बहुत जरूरी है, और वैसे भी बैंगलोर से स्टार्ट हुआ है सब कुछ, तो वहां पे सबसे पहले एक्सपांशन हो रहा है। धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज है वहां पे भी इनके एक्सपीरियंस सेंटर एक्सपांशन होंगे, और एक्सपांशन जरूरी भी है क्योंकि लोग ज्यादा अब इंटरेस्ट ले रहे हैं ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, और खासकर तो ओला S1 एयर पे सबसे ज्यादा, और मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ उस बाइक पे जो ओला कंपनी लॉन्च करने वाली है नेक्स्ट ईयर 2023 में। होप सो ओला ऐसा ही ग्रो करते जाए, बस इनकी जो सर्विस क्वालिटी है ना बस उसको इंप्रूव कर दे, बाकी सब कुछ सही है। आपका क्या मानना है कि एक्सपीरियंस सेंटर कितना और ओपन होना चाहिए? क्या ये सही है? क्या एक्सपीरियंस सेंटर में गाड़ी भी बिकनी चाहिए? ये होना जरूरी है या नहीं, ये भी जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से यार अगर गाड़ी भी बिकने लगे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां चेकआउट कर सकते हैं और वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, इवन आप अपनी डिलीवरी भी वहां से ले सकते हैं। बट अगर आपको गाड़ी जाके डायरेक्टली परचेस करना है तो ऐसा कुछ फैसिलिटी होता तो मेरे हिसाब से और थोड़ा सा मजा आ जाता। बस आज की वीडियो बस इतना था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वैसे तो प्लीज शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।